जोगीखोपा असम के बंगईगांव जिला में एक छोटा सा नगर है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। ऑफिशियली जोगीखोपा कोई टाउन नहीं बल्कि एक विलेज है जो जोगीखोपा गांव पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ सालों से यहां की आबादी में काफी इजाफा हुआ है। जोगीखोपा कुछ इम्पोर्टेंट एरिया जैसे कबैटरी, बलापरा, चलंतापरा, पेपर मिल वगैरह को कवर करता है। 2011 के सेंसस के अनुसार ग्रेटर जोगीखोपा की आबादी 65,845 है। 2021 की अनुमानित आबादी 1,00,000 है। जोगीखोपा रेलवे एंड हाईवे से वेल कनेक्टेड है। यहां के कबैटरी टाउन नेशनल हाईवे 17 पर स्थित है एंड यहां पर एक रेल कम रोड ब्रिज है जिसे नरनारायण सेतु के नाम से जाना जाता है। अब जोगीखोपा में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। केंद्रीय सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी थी इस योजना की जानकारी तथा वीडियो के जरिए आधारशिला रखी थी। इस योजना के तहत पूरे देश में कुल 25 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे और असम में जोगीखोपा को मिलेगा ये डेवलपमेंट तोहफा जिसे बनाने में आएगा 694 करोड़ रुपए का खर्चा। भारतमाला परियोजना के तहत इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को बनाया जा रहा है। असम के जोगीखोपा में बनने वाले इस पार्क के जरिए यातायात के चारों मॉडल सड़क, रेल, जल और हवाई यातायात की सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से असम सहित उत्तर पूर्वी राज्य में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। योजना के पूरा हो जाने के बाद जोगीखोपा की कनेक्टिविटी बड़े बड़े शहरों से कम नहीं होगी। इन देश परदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां कारोबार के लिए जोगीखोपा का रुख करेंगे जिससे यहां के लोगों को जॉब के लिए नए अवसर मिलेंगे। इसके लिए नरनारायण सेतु ब्रिज के साथ एक दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है। क्योंकि नरनारायण सेतु डबल लाइन का है, 4 लाइन का नहीं। इन ब्रिज के एक खंभे के नीचे चट्टान आ जाने की वजह से ये ब्रिज पहले की तुलना में लागर हो चुका है। जोगीखोपा रेलवे स्टेशन न्यू बंगाईगांव जंक्शन से 35 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी दिशा में है।